हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल आईसीएसई सीबीएसई यूपी बोर्ड फ्रॉम 9 to 12 में स्वागत है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे क्लास 10th का, उसी के श्रृंखला में हम कुछ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट आपके लाए हैं। आइए इसका सलूशन देखते हैं, बहुत ही इजी है। पहला क्वेश्चन, इफ एक्स सेक ए इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 10 फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन, इफ साइन ए माइनस कॉस इज अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए एंड सेकेंड साइन ए प्लस कॉस ए। आइए वन बाई वन इसका देखते हैं आंसर एंड सोल्यूशन। पहला दिया हुआ है सोल्यूशन, पहला का एक्स सेक ए इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। आप जानते हैं कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए होता है, ठीक है, और वाई टेन ए दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू सेक ए है इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर ए, ये है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, इसका इसके कैंसिल ये 1, आपका आंसर हो जाएगा 1। कितना ये क्वेश्चन है, ठीक है। आइए सेकंड साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू दिया अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई 2। अब पूछ रहा साइन ए इनटू कॉस ए, तो यहां लिख कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। इसका हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ये जगह अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस, ये हो जाएगा 1/4, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 हो जाएगा 1 के लिए माइनस 2 अंडर रूट 3, ये साइन स्क्वायर 1 होगा, साइन ए कॉस ए 1/4 इवन 4 होगा माइनस 2 अंडर रूट। यहाँ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस ए 2 का हो जाएगा अंडर रूट 3/2, ये इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन ए कॉस ए टू माइनस 3/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पर, सॉरी डिवाइड हो जाएगा साइन साइन ए कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 3/4, योर आंसर फर्स्ट आंसर, ठीक है फर्स्ट आंसर। इसका सेकंड आंसर निकालते हैं, ये देख लीजिए अच्छे से, ये याद रखिएगा, इस चीज का यूज होगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। आप जानते हैं साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस ए प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 साइन ए कॉस, ये फार्मूला जानते हैं कैसे होता है, अब जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए की जगह पर साइन है बी की जगह पर कॉस है, ठीक है। उसके सारे रिकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन इसको लिखा है, ये दिया हुआ अंडर रूट 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर, इसको निकालना है ए माइनस 4, ये कितना इसका वैल्यू आया है
अंडर रूट 3 बाय 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 बाय 4, 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। ये हो जाएगा 1 बाय 4, 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। ये हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसे कट जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2 इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। इसके ऊपर चलेंगे, इसके ऊपर चलेंगे, ठीक है। ये आपका 1 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3, इसको इधर ला देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, तो यहां पर हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, ठीक है, क्लियर। और यहां पर 2 भी हो जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, ये हो जाएगा एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 2 बाई 2, ये है साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर, ये साइन ए प्लस कॉस ए अंडर रूट 3 प्लस 2 बाई 2 पावर 1 बाई 2, ये आपका आंसर, ठीक है। तो लाइक करिएगा, शेयर, सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं।